शेफ गाइस, शेफ तो आप लोगों ने अपने लाइफ में देखे होंगे पक्का। हमने भी देखे हैं एक दो, और भूले बिसरे एक आध कुकरी शो भी देखा होगा। लेकिन मैं पता है क्यों नहीं देखता यार कुकरी शो इनके। यार एक तो ये पकाते बहुत है, इनकी जो ये रेसिपी बताने का तरीका होता है ये बड़ा बोरिंग होता है। और दूसरा, जब ये रेसिपी बताते तो इतने सारे मसाले बता देते जो आसानी से घरों में मिलते ही नहीं। बेसिक चीजें तो घर में अवेलेबल रहती है, लेकिन इनका खाना पकाना लाइक बहुत मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन भाई साहब, अभी एक टॉप के शेफ आए हैं मार्केट में, अभी अभी जग्गू दादा, जैकी श्रॉफ, अपने बिड़ू बिड़ू शेफ बन के आए हैं। उनका नया कुकरी शो आया है भाई। रेसिपी इतनी निहायती आसान इनकी रेसिपी होती है कि कोई एक 8-10 साल का बच्चा भी बना लेगा। इतनी आसान और बेसिक चीजों से बताते कि घर में आसानी से प्याज, लहसुन, नमक, ज्यादा से ज्यादा हरी मिर्च, इसके अलावा भाई साहब को डलवाते ही नहीं है। और सबसे टॉप है भाई इनकी कमेंट्री, जो ये बनाते बनाते बताते हैं ना भाई, जो इनका तरीका है गुरु, वो सुन लोगे तो आप दुनिया के सारे लाफ्टर शोज भूल जाओगे, हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो आओ मैं दिखाता हूं आपको इनके सारे वीडियोस। अभी तक 4 वीडियोस आए हैं, एक एक करके देखते हैं जरा भाई, मजा आ जाएगा। देखो अंडा लेने का निकाला, उसमें से योग निकाल दे, योग निकालने के बाद सफेद रह गया, बराबर सफेद इधर ही रखना, हिलाना नहीं। तेल कड़क हुआ, डाले कड़ी पत्ता, कंजूसी जरा भी नहीं है, भूसा दबा दबा के लकड़ी से दबा धपा धपा 3-4 गंडी के पत्ते डाल दे तेल में, इधर के सफेद अंडा इधर हिलाया नहीं उसको, और इधर क्या इधर तेल, तेल अब कड़ी पत्ता तेल घर 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 हो रहा है। अगर तेल को तिखट अच्छा लगा तो एक मिर्ची लंबा काट के अंदर, उसके अंदर ये जो अंडा इधर का जो हिलाया नहीं वो डाला, फाट नहीं मौसी सॉरी कड़ी पत्ता खड़गड़ मिर्ची खड़गड़, ये इधर का इधर ही ऐसा का ऐसा, इसको हिलाया नहीं, ये कड़ी पत्ता का फ्राई ऊपर डाला अंडे पे जो कच्चा है, और उसको उल्टा कर दिया, समझा डाली मैं खाया ही, उसको तड़का दे कड़ी पत्ता और मिर्ची का तड़का सफ़ेद को दे और सफ़ेद को उल्टा कर दे पलटी खा के दे। हाँ जी नेक्स्ट। अच्छा बैंगन समझ, मिर्ची डालने का अंदर और उसको ऐसे बना देने का काट ऐसा, उसके अंदर लहसुन भी डालने का भोग के, मतलब घुसना चाहिए वो लहसुन और मिर्ची, उसको लेने का गौरी, अगर तुम नसीब है तुम लोगों का कि गौरी तुमको मिले कहीं से, मतलब गाय का जो सूखा हुआ, मालूम है ना बच्चे लोग गाँव का है, तुम लोग आदत है सबको गैस पे खाने का, ईजी है, बिल्डिंग के अंदर अपन गौरी बौरी लगाए तो अपने को निकाल देंगे, तो गौरी पे रखने का वो और उसके कवर करने का गौरी से, थोड़े देर के अंदर गेम बच गया, उसको लेके पीस देने का, उसके ऊपर सरसों का तेल, नमक डालने का, और फिर बस सूखी रोटी एकदम टूटने वाली और प्याज कैसे फोड़ के आराम से खाने का, टाइम लेने का खाने पे, जितना आराम से खाएगा उतना अपने शरीर को अच्छा लगेगा। हाँ जी नेक्स्ट, भिंडी मसाला, इसलिए कांदे को काट के नहीं रखने का, गेम बच जाता है उसका, भिंडी को काट इतना ही काट, वो जो क्यूब होता है ना इतना 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 काटना, और उसके बाद में कांदे को भी उतना काटना, अब कांदे को अपने को काटने का चौकंडी, चौकंडी मतलब क्यूब, और उसको बाजू में रखने का, पानी में रखने का, सीधा ऑयल के अंदर जो अच्छा ऑयल मिले आज बिना मिलावट के उसमें डाल देना, कांदा भिंडी सूखा होता है तो उसको हिलाने का नहीं, उसको सही का वैसे ही रखने का, थोड़ी देर दिख जाएगा, अगर उसके अंदर तेरे को लहसुन डालने का है तुम लोग के मूड में है तो डालना, एक डालना समझा बड़ो, मस्के की तरह एकदम ऐसा हो जाएगा, उसके बाद निकाल और फिर तेरे मूड में कैसे खाने का, भाकरी के साथ खा, प्यार से निकाल के पोट में डालने का, फिर सो जाने का। हाँ जी नेक्स्ट, कद्दू पेठा भोपला, पंपकिन पंपकिन भोपला भोपला, मैं बता दूंगा इसको काट के ऐसे क्यूब्स में काटो, कच्चा भोपला, हाँ कच्चा बाबा, पहले पहले उससे पहले नाखून काट लेना, जो उसके अंदर कीड़े कचरे बहुत होते हैं, नाखून काट, हाँ समझ गया ना बड़े, भोपला भोपला काटा 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 काटा, चौकंडी क्यूब्स, सौंफ और जीरा, और उसको तेल में थोड़ा सा पहले सेक दे, उसको थोड़ा सा तेल में डाल, जलने मत दे, और उसके ऊपर भोपला रख दे, उसके ऊपर हरी मिर्ची लंबी काट के रख दे, उसको कवर कर, अगर मोड़ में आ गया तो कड़ी पत्ता हरा हरा दिखना चाहिए और कंजूसी नहीं होनी चाहिए, मिर्ची ऊपर ऊपर ताकि उसकी खुशबू अंदर, नीचे से सौंफ, ऊपर से मिर्ची और बीच में भोपला, ताली बजा दो यार एक बार जग्गू दादा के लिए, इतना बेहतरीन कुकरी शो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। गाइज आपको इनमें से सबसे बेहतरीन रेसिपी कौन सी लगी और कौन सी आप ट्राई करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और दुनिया भी हंस सके। यार जग्गू दादा जय भद्रकाली।
बनाते रहो जग्गू दादा ऐसी टॉप टॉप रेसिपीज यार, कसम से बहुत एंटरटेन करते हो भाई।